तो वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे आजाद समाजवादी समाज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करने पहुंचेंगे। बीते दिनों बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया था। बाहुबली नेता मदन भैया भी हो सकते हैं इसमें शामिल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मसूरपुर खतौली मोड़ और कई जगहों पर स्वागत भी किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और इसमें बाहुबली नेता मदन भैया भी शामिल हो सकते हैं। मसूरपुर खतौली मोड़ और कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी जानकारी इसी खबर को लेकर तस्लीम राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। तस्लीम, क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर हो रही हैं और कब तक वो वहां पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल पूनम, जो चंद्रशेखर हैं वो पहुंच चुके हैं, भूपखेड़ी में वो पहुंच चुके हैं। दरअसल बता दें कुछ दिन पहले ही बाबा साहब की मूर्ति को रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव भूपखेड़ी में खंडित किया गया था, जिसमें तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था, पुलिस का घेराव किया था, पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जो मूर्ति है, मूर्ति की रिस्थापना यानी दोबारा से इसकी स्थापना की जाएगी और वहीं एक नई मूर्ति, जो मूर्ति खंडित हुई है उसकी जगह नई मूर्ति लगाई जाएगी, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ता, तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और तमाम ग्रामीण शांत हुए थे। तो वहीं आज जो भूपखेड़ी गांव है, भूपखेड़ी गांव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंच रहे हैं और वहीं चंद्रशेखर यानी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और मूर्ति को स्थापित करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बाहुबली नेता है मदन भैया वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में गठबंधन से वो नव निर्वाचित विधायक हैं, तो ऐसे में उनके शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं तमाम जो अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कई थानों की पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। आप देखेंगे वही तमाम जो पुलिस बल है, तमाम बड़े अधिकारी नजर बना रहे, क्योंकि खुद भीम आर्मी के यानी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है, कई थानों की पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो वहीं ऐसे में यहां पर जो ये प्रकरण हुआ था कहीं ना कहीं सुर्खियां बना था और ऐसे में अब खुद चंद्रशेखर पहुंचे हैं, चंद्रशेखर के हाथों से ही मूर्ति की स्थापना की जाएगी, माल्यार्पण किया जाएगा और वहीं तमाम जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी संख्या में मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल तस्लीम, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।